हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सेट रिसेट और कंपैरिजन कमांड की हेल्प से हम लोग एक छोटा सा लॉजिक बनाएंगे और उस लॉजिक को हम लोग यहां पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने ऑलरेडी पीएलसी में वैसे डाला हुआ है। मैं आपको यहां पे क्या काम करता हूं, मैं पुश बटन से यहां पे एनो पुश बटन प्रेस करता हूं, तो यहां पे आपको आउटपुट में देखो ये जो रिले बोर्ड है इसमें क्या मिलेगा आपको कि सबसे पहले आपका एक आउटपुट ऑन होगी, उसके बाद आपकी दूसरी आउटपुट ऑन होगी कुछ टाइम के बाद, और उसके कुछ टाइम के बाद आपकी दो आउटपुट ऑन होंगी, और उसके भी कुछ टाइम डिले के बाद आपकी तीन आउटपुट ऑफ होगी, और उसके कुछ टाइम और डिले के बाद आपकी चौथी आउटपुट भी ऑफ हो जाएगी, एंड उसके बाद आपका जो सर्किट जो है, जो भी आपका कंप्लीट लॉजिक है, वो पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा। आपको अगर दोबारा से ऑन करना है तो आपको एनो पुश बटन प्रेस करना पड़ेगा। मान के चलो यहां पे मैं एनो पुश बटन प्रेस करता हूं, एक आउटपुट आपकी ऑन हो गई, ठीक है, उसके कुछ टाइम के बाद दूसरी आउटपुट ऑन होगी, कुछ टाइम के बाद ये दो आउटपुट आपकी ऑन होगी, कुछ टाइम के बाद 5 सेकंड के बाद ये तीन आउटपुट आपकी ऑफ होंगी, और इसके 6 सेकंड के बाद आपकी ये चौथी आउटपुट भी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की लॉजिक आप लोग सेट रिसेट कमांड और कंपैरिजन ब्लॉक से, कंपैरिजन कमांड से कैसे बना सकते हो वो आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, और कंपैरिजन कमांड भी कैसे यूज करते हैं वो भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग और पीएलसी की वायरिंग किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल कंप्लीट बेसिक टू एडवांस अगर आप लोग सीखना चाहते हो, तो आप लोग हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक और कोर्सेज का लिंक दे दूंगा मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कोर्सेज से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे आप लोग कोर्सेज के डिटेल्स ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है हम लोगों के पास कि जब हम लोग X1 को प्रेस करें तो Y0 ऑन होना चाहिए, 3 सेकंड के बाद Y1 ऑन होना चाहिए, और 4 सेकंड के बाद Y2 और Y3 ऑन होना चाहिए। इस तरीके से चार आउटपुट हमारी ऑन होनी चाहिए, और 5 सेकंड के बाद Y0, Y1 और Y2 ऑफ होना चाहिए, और 6 सेकंड के बाद Y3 ऑफ होना चाहिए। और इसको हम लोग बनाएंगे सेट रिसेट कमांड से, और यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कमांड को यूज करेंगे। अगर आप लोग टोटल टाइम देखो तो 3 और 4 7 7 और यहाँ पे 5 12 12 और 6 18 18 सेकंड का टोटल टाइम है हमारा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे X1 से Y0 को ऑन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ LDX1, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक एमबिट को सेट करूंगा, ठीक है, सेट M0। वैसे जरूरत नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे का जो लॉजिक बनाएंगे तो वहां पे हम लोग इस M0 की ही एनोबिट ले लेंगे। मैं यहाँ पे इसके पैरेलल में ही एक कॉइल ले लेता हूँ, एंड इसको हम लोग सेट करते हैं, और इसको मैं एड्रेसिंग देता हूँ Y0, ओके, ताकि जब हम लोग X1 को प्रेस करें तो हमारा Y0 यहाँ पे ऑन होना चाहिए। अब इसके 3 सेकंड के बाद ये कह रहा है Y1 ऑन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं एनोबिट लेता हूँ M0 की, और यहाँ पे मैं आपके बाद जो टाइमर दूंगा ना, वो टाइमर में टोटल टाइम ले लूंगा 180, ठीक है, 18 सेकंड का मैं टोटल टाइम ले लूंगा, ओके। एंड उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, इसी के पैरेलल में मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं कुछ कॉइल्स ऐड कर देता हूँ, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन कमांड यूज करेंगे, एंड यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, 3 सेकंड के बाद Y1 को ऑन करूंगा। तो कंपेरिजन कमांड हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, LD=, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे हम लोग जो सोर्स वन है S1, यहाँ पे मैं T0 डालूंगा, एंड यहाँ पे मैं डालूंगा 30, ताकि जब ये 180, ये जो टाइमर जो है ये T0=, जब 30 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, T0=30 एंड ये 30 दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हमारी आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो इसको हम लोग सेट करते हैं, और यहाँ पे हमारी आउटपुट होगी Y1, ओके। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, Y1 ऑन हो गई, और 4 सेकंड के बाद यहाँ पे हम लोग Y2 और Y3 को ऑन करेंगे। तो सेम में क्या काम करूंगा, यहाँ पे LD=, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग T0 लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखो 3 सेकंड तो ये है पहले के, और 4 सेकंड के बाद हमको यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे हमको Y2 और Y3 को ऑन करना है, ठीक है, आफ्टर 3 सेकंड Y1 ऑन, और आफ्टर 4 सेकंड Y2 और Y3 ऑन। इसका मतलब 3 और 4 7 सेकंड का टाइम मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, यानी कि 70 मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। और आउटपुट यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, सेट करेंगे सबसे पहले तो Y2 को, और उसके बाद इसी के पैरेलल में एक और आउटपुट लूंगा मैं, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, इसको सेट करूंगा, और यहाँ पे इसकी एड्रेसिंग दूंगा मैं Y3।
ओके तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी चारों आउटपुट यहाँ पे ऑन हो जाएंगी, Y0, Y1, Y2 एंड Y3। अब हमको यहाँ पे क्या काम करना है, 5 सेकंड के बाद Y0, Y1 एंड Y2 को ऑफ करना है। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, टोटल टाइम मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 7 सेकंड का हो गया, ठीक है। अब इस 7 सेकंड में मुझे 5 सेकंड का टाइम और एड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना हो गया अभी हमारा, यहाँ पे टोटल होगा अपना 12 सेकंड, ठीक है। एल डी इक्वल टू एंड T0 यहाँ पे हम लोग डालेंगे सोर्स 1, सोर्स 2 में मैं 120 यहाँ पे अपनी बढ़ाऊंगा और मैं यहाँ पे रीसेट करूंगा, ठीक है। रीसेट सबसे पहले यहाँ पे मैं Y0 को रीसेट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं पैरेलल में मान के चलो 2-3 यहाँ पे कमांड ले लेता हूँ, ठीक है, कॉइल ले लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, रीसेट करेंगे किसको, Y0 एंड उसके बाद Y1 को रीसेट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग Y2 लेंगे और इसको भी हम लोग यहाँ से रीसेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि रीसेट करना था 5 सेकंड के बाद Y0, Y1 और Y2 को। और उसके बाद 6 सेकंड के बाद हम Y3 को रीसेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं एक और कंपेयर की कमांड यूज करूंगा, LD इक्वल टू एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग T0 को लेंगे क्योंकि T0 से हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपकी बार टोटल टाइम डाल दूंगा 180, क्योंकि 6 सेकंड के बाद ऑन करना है, तो 120 ये है ही, यहाँ पे 60 और आ जाएगा, तो 180। अब की बार मैं यहाँ पे रीसेट करूंगा किसको, यहाँ पे मैं रीसेट करूंगा Y3 को, ओके। तो यहाँ पे Y3 को हम लोग रीसेट कर देते हैं और Y3 के साथ में ही मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे M0 को भी रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं M0 हम लोगों ने ऑन करी हुई है, M0 को भी मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ, M0, तो ये हमारा यहाँ पे रिसेट हो जाएगा। और ये जो कॉइल है हमारी एक्स्ट्रा कॉइल, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमारा एक छोटा सा लॉजिक बनाया हम लोगों ने सेट रीसेट और कंपैरिजन कमांड से, ओके। तो यहाँ पे कंपैरिजन में हम लोगों ने सिर्फ इक्वल टू यूज किया हुआ है, सिर्फ इक्वल किया है हम लोगों ने, मतलब कि इक्वली हम लोगों ने जो भी T0 की वैल्यू जो भी होगी एंड जो भी हमने सोर्स 2 में जो वैल्यू डाली होगी, अगर T0 की वैल्यू जो हमने सोर्स 2 में वैल्यू डाली है उसके इक्वल आ जाएगी तो हमारी आउटपुट देगा, और जो भी आउटपुट में हम लोग सेट रीसेट जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट ऑन या ऑफ होगी। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस प्रोग्राम को सिंपली यहाँ से डाउनलोड टू PLC करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग आते हैं ऑनलाइन मोड पे, ओके। ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो स्टेटस फिलहाल इसका रन दिखा रहा है, ओके। अभी मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एनो पुश बटन को प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको PLC का भी स्टेटस दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो Y0 ऑन था, Y1 ऑन हो गया, ठीक है। अब ये दोनों आउटपुट ऑन हो गया आपकी, Y2 और Y3 ऑन हो गया, उसके बाद तीन आउटपुट आपकी ऑफ हो जाएंगी, Y0, Y1 और Y2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका Y3 भी ऑफ हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, यानी कि जब ये 80-180 हो जाएगा तो आपका Y3 भी ऑफ हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ PLC और रिले बोर्ड, ओके, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे PLC हमारी बिलिंग कर रही है, ठीक है। COM1 इसका जो यहाँ पे इंडिकेटर है वो बिलिंग कर रहा है। बिलिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने लैपटॉप में अभी प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड पे लिया हुआ है, ओके। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एनो पुश बटन को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग इन रिले को देखोगे तो ये रिले आपकी ऑन होंगी। मैं एनो पुश बटन को जैसे ही प्रेस करता हूँ तो एक आउटपुट हमारी ऑन हुई, उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरी आउटपुट ऑन हुई, ठीक है। फिर ये दोनों आउटपुट ऑन होंगी, ओके, उसके बाद तीन आउटपुट आपकी ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपका ये वाली आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाएगी, ओके। तो ये भी आउटपुट ऑफ हो गई आपकी, यानी कि जब ये तीनों आउटपुट ऑफ होंगी तो उसके 6 सेकंड के बाद ये वाली आउटपुट भी आपकी ऑफ हो जाएगी। मैं फिर से ऑन करता हूं, तो जैसे मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा तो एक आउटपुट आपकी ऑन होगी, उसके बाद दूसरी आउटपुट आपकी ऑन होगी, ठीक है। फिर ये दो आउटपुट आपकी ऑन होंगी, फिर तीन आउटपुट आपकी ऑफ होगी, ठीक है। और उसके 6 सेकंड के बाद ये वाली आउटपुट भी आपकी ऑफ हो जाएगी, ओके। तो कुछ इस तरीके के लॉजिक हम लोग बना सकते हैं अपने PLC में, मतलब छोटे छोटे लॉजिक जैसे कि कंपैरिजन ब्लॉक की हेल्प से, सेट रीसेट की हेल्प से। और कंपैरिजन ब्लॉक में भी यहाँ पे मैंने क्या काम किया, कंपैरिजन की कमांड में सिर्फ इक्वल टू यूज किया हुआ है। आप चाहो तो ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इस तरीके से आप लोग इनको यूज कर सकते हो, ओके।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लो ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।